जीर में हमने वर्कर कन्वेंशन कराना चाहा, मुझसे तीन मेरे वर्कर को गोलियां मारी, मैं वहां मौजूद था जब इन्होंने टियर गैस किए, जब इन्होंने हर जगह पे कन्वेंशन से एक रोज कबल गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। और आपकी हिम्मत जरूरत भी नहीं कर सकते कि मौलाना की जगह आप किसी और पार्टी का अमीर या चेयरमैन मुंतखब करा सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने 16 महीने हुकूमत की, जरदारी साहब ने अपने बेटे को वजीर बनाया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को वजीर आला बनाया, मौलाना साहब ने अपने बेटे को वजीर बनाया। इसके बाद आपने महंगाई दी, 16 महीने में जो रिकॉर्ड थोड़ी महंगाई मिली। लेकिन आज आपके चैनल में ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के लिए जो कहा जा रहा है वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है, वो वजीर आजम के कैंडिडेट ही नहीं होंगे। पीएम लून ये वो खुद कुछ बम्बार है कि इसने अपने आप को भी तबाह किया, पूरी पार्टी को तबाह किया, परखचे उड़ा दिया। और इसने कहा खुदकश बम्बार था, खुदकश बम्बार हम हैं या आप? जब आप हुकूमत हमसे ले रहे थे या छीन रहे थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे, पाकिस्तान में है और वो बाप को तो बाप मिल गया है, तब आपके पीके की बात कर रहे हैं ना? क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी पार्टी आई है जिसका इतना भारी मैंडेट हो, जो कश्मीर में हुकूमत आए, गिलगित बल्तिस्तान में आए, पंजाब में आए, मरकज में आए, खैबर पख्तूनख्वा में आए, बलूचिस्तान, एक भी आपका एक भाई एमपीए है मौलाना लुत्फ रहमान, उसका दूसरा भाई सेनेटर है मौलाना ताऊ रहमान, सूबाई अमीर मौलाना ताऊ रहमान है, जिले का अमीर उसका एक तीसरा भाई है, कोई खानदान के अलावा और है ही नहीं। इस पार्टी की हो या अक्सरियत पीएमएलए की हो, सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। मौलाना साहब तो इलेक्शन से ही भाग रहे हैं, वो तो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। फजल रहमान बनी, जय यूआई समी उलक बनी, जय यूआई शेरानी बनी, जय यूआई असमतुल्ला बनी। मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान अगर आपका साथ देते हैं तो फिर हम जानते हैं कि हमें पूरा मेजोरिटी नहीं मिलेगा। हम ये कहते हैं हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पारस जानजेब के शो में पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत ने कहा कि पीटीआई तारीख की सबसे बड़ी जमात है, मगर पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने के लिए तमाम सियासी जमातें और सारे इदारे इकट्ठे हो चुके हैं। आज जेयूआई के हामिदुल्ला ने जब पीटीआई के मुंतखब चेयरमैन के ऊपर तनकीद की तो शेर अफजल मुरव्वत ने जेयूआई के हामिदुल्ला को लाइव शो में ऐसी खरी खरी सुनाई के मजा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। बस लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करें, फील्ड नहीं है, फील्ड दे दें, लेवल हम खुद ही कर लेंगे, फिर तो मुकाबले का मजा आएगा ना। पहले तो ये डेफिनेशन करें, तशरीह करें, ये भी करें और नबील का बोल इनसे करवा लेते हैं। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? क्या है मतलब? यकसां मौके फराहम करना या एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद का हुसूल, क्या है? कर देता हूं या इमरान खान किस आईनी या कानूनी मजबूरी के तहत इनका गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ है? जरा कोई एक दलील दें कि वो कौन सी चीज है जो जस्टिफाई कर रही है। हुकूमत ही ना वफाक में लगाया ना वो। नहीं, सवाल ये नहीं है, अभी तो केयरटेकर्स बैठे हैं, वो तो एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा है, तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड से पहले नबील कबूल साहब ने एक बात की, ये तो कह रहे हैं कि ये तो पार्टी नहीं है, हमें तो पार्टियों में ये शुमार नहीं कर रहे हैं। अब इसका मैं एक छोटा सा जवाब दूँ, क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी पार्टी आई है जिसका इतना भारी मैंडेट हो, जो कश्मीर में हुकूमत आए, गिलगित बल्तिस्तान में आए, पंजाब में आए, मरकज में आए, खैबर पख्तूनख्वा में आए, बलूचिस्तान, एक भी 76 सालों में इतना मैंडेट किसी को नहीं मिला, नंबर वन। नंबर दो बात ये है, खैबर पख्तूनख्वा ये बलूचिस्तान की सकूनी थी, मैं खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में आए, ये चीज़ मैं तस्लीम करूँगा कि वहाँ न नून है न पीपल पार्टी है, पीटीआई का मुकाबला होगा जेयूआई के साथ। मैं हम देखें वो बातें करें जो कि उसका क्या होगा? नहीं, बाप तो उधर बलूचिस्तान में है और वो बाप को तो बाप मिल गया है। तब आप केपी की बात कर रहे हैं ना? मैं केपी की बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की। अब खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर कन्वेंशन से आप अंदाजा लगा लें, सारे कर्फ्यू लगे हुए हैं, हमें कल लकी मरवत में आपने बड़ा किया मर्दान कन्वेंशन, सॉरी मर्दान में, आज सवाबी में, आज सवाबी में, दीप में, करक में, बुनेर में, स्वात में, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दीर में हमने वर्कर कन्वेंशन कराना चाहा, मुझसे तीन मेरे वर्कर्स को गोलियां मारी, मैं वहां मौजूद था जब इन्होंने टियर गैस किए, जब इन्होंने हर जगह पे, कल मर्दान की मेरी वीडियो आप देख लें, पुलिस मुझे जो है उतार रही है और कि आपने देखी होगी, आज की सवाबी की वीडियो यानी आप देख लें, पूरे सवाबियों में कर्फ्यू था, करक में और हर जगह पे कन्वेंशन से एक रोज कबल गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। पार्टी जो है या नहीं है, बेसिकली आप ये देख लें कि पार्टी कहती किसको है, सियासी इस्तेलाह में या इलेक्शन लॉज में, आप हमारा जायजा लें इनसे या गबोल साहब की पार्टी से, भुट्टो साहब जब से शहीद हुए हैं इसके बाद से लेकर आज तक ना कोई नई क़यादत देखी, ठीक, और ये एक एक पीटीआई पीपल पार्टी जो थी वो एक फेडरल इंस्टीट्यूशन था। जनाब अली सुकड़ते सुकड़ते सिंध तक महदूद हुई, अब सिंध में सुकड़ के डिवीजन दो डिवीजनों तक महदूद हो गई, आइंदा इलेक्शन में इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो को वजीर आजम, तो वजीर आजम नहीं वो जनाब अली, आप यकीन करें कि वो अपना हल्का जीत लें तो तब भी उनकी कावरी, इनको 2018 के अपने हल्के में 146 में हमने शिकस्त दी थी। हजरत की बात है, मौलाना साहब तो इलेक्शन से ही भाग रहे हैं,
वो तो इलेक्शन चाहती ही नहीं है। फैज हमीद को दुआ करें भाई, अभी कोई फैज हमीद नहीं आएगा। नहीं फैज हमीद 2018 में फैज हमीद को दुआ करें। नहीं फैज हमीद को तो, अगर आप फैज हमीद से इतने खाइफ थे तो अभी फैज हमीद पे कोई, आप जनाब इक्तदार में हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड आप मांग रहे हैं, क्या लेवल प्लेइंग आप और ये दोनों मिल मिलके मांग रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये तो लेवल प्लेइंग सारी बातों पे आप हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड और इनके लेवल प्लेइंग फील्ड में फर्क है। उनकी शिकायत ये तो है। ये तो इस पे खफा है कि बाप उनको दी गई, यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। मैं ये कह रहा हूं कि बाप उनको क्यों, नवाज शरीफ को क्यों दी गई, बाप में हमारा हिस्सा किधर है माल गनीमत में, वो ये लेवल प्ले। और हम कहते हैं हम एजेंडा निकालने। सर आप समझते हैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इनके तहफ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं। देखिए फारस में एक बात करूं, गवर्नर की बात की उन्होंने गुलाम अली की, मुझे यह बताया वो कौन सा कानून है कि गुलाम अली गवर्नर नहीं बन सकता, एक बात। दूसरी बात यह कि गवर्नर का निगरान हुकूमत से क्या ताल्लुक, वो क्या अलग चैप्टर है या अलग चैप्टर है? दूसरी बात यह है कि नबील गबूर साहब ने बात की कि अभी वो फैज आपको हासिल नहीं होगी जो 2018 में जो फैज आपको हासिल था। मैं प्लस एक पॉइंट और इजाफा करूंगा, आपकी वो दम दरुद भी काम नहीं आएगा जो पहले काम करता था, क्योंकि वो दम दरुद गवर पे काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने जो बात की जी, मैंने आपको कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की डिफिनेशन करें, यकसाम मौके फराहम करना, किसको आप कह रहे हैं, किसको, इलेक्शन कमीशन को या एस्टेब्लिशमेंट को, या एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद को हुसूल, क्या चाहते हैं? अगर साहब लाजुर रहमान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हाथ पैर खोल देने चाहिए, मैदान में होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। हमजा साहब कई मरतबा आप मेरे शो में ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान ना मकबूल है ना कबूल है और ये सिर्फ इनकी भूल है। तो सर या तो शायद ये आपकी जो मतलब आपका ये सियासी तजुर्बा कह लें या सियासी बसीरत कह लें कि आपको मालूम था कि इमरान खान जो मुल्की सियासत है उसमें इतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे या एक्टिव ही नहीं रह पाएंगे, या आपको पता था कि इस तरह के बयानिए का पर ऐसे ही अंजाम होता है? नहीं, बात यह है कि जिनके कंधों पर वो आया था ना उन्होंने कंधे हटाए, तो उनके कंधों पर बहुत से लोग आते हैं सर, उनको भी सबक मिला है वक्तन फवक्तन, जो भी उन कंधों पे आता है उनको सबक मिलता है, उनको गिरा दिया जाता है, जमीन बोस किया जाता है, फिर खड़े होते हैं, लेकिन फिर वापस खड़े होते हैं, लेकिन उसका कोई ग्राउंड होता है। जैसे पीपल्स पार्टी है ना, उनका एक बैकग्राउंड है, पीएमएलएन का एक बैकग्राउंड है, लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने खुदकुशी की, ये वो खुदकुश है, ये वो खुदकुश बम्बार है कि इसने अपने आप को भी तबाह किया, पूरी पार्टी को तबाह किया, परखचे उड़ा दिया, और इसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया, पाकिस्तान की माशी और दिफाई लाइन को तबाह किया, खारिजी लाइन को तबाह किया, ये वो खुदकुश है, किसी को भी माफ़ नहीं किया। इसलिए मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला कहते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, जो मुश्किलात जो चैलेंजेस आपके सामने, ये आपके हाथों का किया दरा है, आपका किरदार है वो आपके सामने खड़ा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई मरवत साहब ने बात की मोरिसी सियासत, ये लंबी बहस है, मैं इस पर इतना कहूँगा कि एक है उस्मान बुज़दार प्लस, एक है वसीम प्लस, एक है गौहर प्लस। बस अब उस्मान को क्यों, कौन चला रहा था, या कोई पीर या कोई गोगी या कोई गुजर, गवर को भी पीछे कोई चलाएगा, और इमरान खान चाहता यही इस किस्म की चेयरमैन है कि वो खुद ना चला सके, कोई और उनको चला सके। वो कोई और कौन होगा, आज उन्होंने अपने इंटरव्यू में इजहार किया कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। पहले तो ये बात साबित कर लिए कि ये पार्टी है या नहीं, आप तो शुरू से नहीं मानते, तो ये पार्टी मान तो शुरू से नहीं मानते, लेकिन ये पार्टी पांच हिस्सों में तकसीम हो चुकी। मैंने कहा यह खुदकुश बम्बार है, IPP ठीक है, और परवेश खट्टक तारिक इंसाफ, ये तारिक इंसाफ जिसका चेयरमैन अभी गवर्नर बना, एक वो तारिक इंसाफ जो शहजादा अकबर और जुल्फी बुखारी में मफरूर है, एक वो तारिक इंसाफ जो शेर मजारी वगैरह की सूरत में घरों में बैठी है। मौलाना के बारे में वो कहते थे कि मौलाना बारवा खिलाड़ी भी नहीं है, मैं हमेशा कहा करता था कि वो बारवा खिलाड़ी नहीं, वो ऑलराउंडर है। इन्होंने मिसालें दी कि तहरीक इस्तेकाम बनी, खुद अपना हाल भी तो बताए ना, वो आपको इसलिए मौलाना जय यू आई दरखास्ती बनी, जय यू आई फजल रहमान बनी, जय यू आई समी उलग बनी, जय यू आई शेरानी बनी, जय यू आई असमतुल्ला बनी, आप ही के पार्टी के इतने आज भी बहुत सारे लोग जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम में शेरानी साहब की तकसीम के बाद पार्टी दो दड़ों में अभी ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट। वोट बैंक किसका है लेकिन? वोट बैंक तो अभी फर्स्ट इलेक्शन होंगे, पहले तो इलेक्शन हुए नहीं है शेरानी साहब के बगैर। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा खुदकश बम्बार था, खुदकश बम्बार हम हैं या आप? जब आप हुकूमत हमसे ले रहे थे या छीन रहे थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे, बैरूनी हकीमान के इशारों पे, उस वक्त हम ताज़ा बल्दियाती इलेक्शन हमने किए थे और हमारा ग्राफ कहाँ पे था, और आपने 16 महीने हुकूमत की, जरदारी साहब ने अपने बेटे को वजीर बनाया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे को वजीर अला बनाया, मौलाना साहब ने अपने बेटे को वजीर बनाया,
इसके बाद आपने महंगाई दी 16 महीने में जो रिकॉर्ड थोड़ महंगाई मिली तो 17 बिलियन डॉलर खान साहब ने छोड़े जब वो उनकी रिकॉर्ड की बात है 17 बिलियन डॉलर 17 बिलियन टोटल थे स्टेट बैंक 17 बिलियन डॉलर भी गए 16 महीनों में कर्जे भी लिए ऊपर से कह रहे हैं हमने रियासत को सियासत के बजाय आपने तो आगे 3 सालों के लिए एस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ करने के लिए सारा ड्रामा किया। अच्छा एक बात जी अब जरा थोड़ा सा दूसरी बात ये है कितना सा यूआई में रहे आप पहले मैं ये बताए ना ताकि मेरा और इंटरेस्ट और लोगों का भी बढ़ेगा कि आपको ज्यादा इनके बारे में मालूमात होगी ना कितना अर्सा है देखिए मैं जिनके साथी हम रह जाते हैं ना फिर अपने साथियों के हम खिलाफ नहीं बोलते हैं ये छोड़ी क्यों जेयूआईएफ मैंने बताया आपको कि मौलाना साहब जो हैं उसकी पार्टी में आगे बढ़ने के लिए लियाकत और काबिलियत नहीं देखी जाती है। अच्छा मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ मौरूसियत देखी जाती है मौरूसियत रिश्तेदारियाँ और इसके अलावा अपनी जाती तरजीहात या पसंद नापसंद ये मेरा बिल्कुल यकीन है कि मौलाना साहब इस अपनों से नहीं निकलते पुराना से तो ये लेके मरवत में जानते हैं शेख मौलाना मोहम्मद अनवर साहब को ये मौलाना साहब का भाई है ये मौलाना साहब का भांजा है ये मौलाना साहब का भतीजा है जी मौलाना साहब का एक भाई एमपीए है मौलाना लुत्फ रहमान उसका दूसरा भाई सेनेटर है मौलाना ताऊ रहमान सूबाई अमीर मौलाना ताऊ रहमान है जिले का अमीर उसका एक तीसरा भाई है कोई खानदान के अलावा और है ही नहीं ये बात नहीं हो सकता है सारी काबिलियत उधर ही मैं आपके सामने मैं आपके सामने हूँ मैं मौलाना साहब का क्या हूँ मैं क्या हूँ मौलाना साहब का मैं सेनेटर ये जवाब दे सकता हूँ ये जवाब दे सकता हूँ पार्टी में बड़े मजबूत ग्रुप से ताल्लुक है इनका तो ये सेनेटर है नहीं किसी मजबूत मेरे जमियत उलमा इस्लाम से मेरा ताल्लुक है उस जमियत उलमा इस्लाम से जिसकी क्यादत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं और आपकी हिम्मत तो जरूरत भी नहीं कर सकते कि मौलाना की जगह आप किसी और पार्टी का अमीर या चेयरमैन मुंतखब नहीं नहीं कर सकते मज़हबी कबूल साहब एक तरफ जदाई साहब बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने का दावा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जो है वो अगली बारी फिर जदारी के नारे लगवा रहे हैं दूसरी तरफ अभी आपने भी कहा पूरी पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही आप उसके शिकवे कर रहे हैं तो क्या ये खुला तजाद नहीं है सर अगर बिलावल भुट्टो तभी वजीर आजम बनेंगे ना जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी अब आप लोग कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर ये दावे जो आप कर रहे हैं क्या ये जियालो को सिर्फ मुतमईन करने के लिए है नहीं जी हम तो बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उन मासूम लोगों को जिनको अगर ये बात पता भी नहीं है जबकि पता सबको है सबको पता चल गया पहले लोग इशारों में बात करते थे अब खुलम खुला बात करते हैं लेकिन आज आपके चैनल में ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के लिए जो कहा जा रहा है वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है वो वजीर आजम के कैंडिडेट ही नहीं होंगे पीएमएल नून के आप ये देख लेना पीएमएल नून के जो कैंडिडेट होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे क्यों कह रही है सर आपने पहले कहा था कि डील करके गए हैं वो मेहरबानी है वो मेहरबानी है शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है शहबाज शरीफ ने सारा जो है ना टेबल सजा कर दिया सारा प्लेट में जो है ना सब कुछ सजा कर दिया शहबाज शरीफ ने अपनी अकलमंदी उसका कहूंगा या समझदारी कहूंगा उन्होंने 16 महीने में अगर कुछ काम अच्छा किया मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं किया लेकिन उन्होंने अपने ऊपर से और अपने खानदान से और अपने भाई पे नवाज शरीफ पे जो केसेस थे उनको खत्म कराने में उन्होंने जो किरदार अदा किया उसमें वो कामयाब हुए तकरीबन अब हमें मौका दें अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है कि नौजवान की आदत को आने दो और आप लोगों ने बॉट टर्म्स जो है आगे तो उनका मतलब ही है कि अभी हमें सपोर्ट करें शेर अफजल मुरवत ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने बैरिस्टर गौर अली खान को चेयरमैन मुंतखब किया इस पर आप तनकीद करते हैं जबकि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे यू आई ये सब सिर्फ अपने खानदान को ही प्रमोट करते हैं किसी दूसरे को ये आगे आने का मौका तक नहीं देते नाज़रीन ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान ने अपने खानदान से हट के चेयरमैन मुंतखब किया और हम इसको खुशाइन करार देते हैं नाज़रीन आपका इस बारे में क्या कहना है अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़